सो हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सीधा पार्क से। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 और फिलहाल यहाँ पे आए हैं करने के लिए वर्कआउट। तो चलो फिर करते हैं आज का मॉर्निंग वर्कआउट स्टार्ट, लेट्स गो। What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything? Does it all become for granted with a wedding? तो हो चुका है वर्कआउट और ये देखो मेरे पीछे यहाँ पर चल रहा है हमारे नए घर का काम। इसको देख के ना अंदर से इतनी खुशी होती है ना भाई, क्या बताऊँ यार, फाइनली हमारा घर बन रहा है देखो। और आज मैं बहुत बार गिरते गिरते बचाऊँ बिल्कुल, क्योंकि ये घास है गीली, धूप आ चुकी है लेकिन फिर भी घास गीली है, तो मेरे पैर गंदे वाले फिसल रहे थे बहुत, ये देखो पूरे गीले हो रखे हैं। तो अब चलते हैं हमारे घर के ऊपर, वहाँ पे ऊपर चलो एक चक्कर मार के आते हैं। यहाँ पर देखो चारों तरफ ये बल्ली ही बल्ली लगी हुई है इसको सपोर्ट देने के लिए। ये है रास्ता देखो जाने का ऊपर, खतरों के खिलाड़ी। बिल्कुल सीधी खड़ी है सीढ़ी, आ गए हैं ऊपर। यहाँ से आना थोड़ा सा डेंजरस है, यहाँ पर लग रही है फिलहाल सरिया। अब चलते हैं नीचे वापस, ध्यान से उतरना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। हो गया, पापा जी भी आ चुके हैं यहाँ पे। अभी कितना टाइम लगेगा बनने में? पूरा कम्प्लीट, पूरा कंप्लीट बताओ। कंप्लीट तो 1.5-2 साल लगेंगे। चाचा जी भी आ चुके हैं और ये हमारा घर बनने वाला है। और ही और अगला कमरा होगा एक, अभी क्यों नहीं है, और अगला पूरा गार्डन होगा आगे, पूरा घर के आगे। तो चलो चलते हैं घर पे, नहाते हैं, रेडी होते हैं और फिर हमें जाना है आज हमारी बाइक की सर्विस कराने के लिए। आज है हमारी बाइक की फर्स्ट सर्विस और हाँ आज आपको एक और नई चीज दिखाएंगे, आपके लिए कुछ नया है हमारे पास, तो वो आप देखना वीडियो में आगे। तो चलो फिर चलते हैं अब घर पे फटाफट। सो अभी गाइस नहा धो के रेडी हो चुके हैं और पता है गाइस केदारनाथ से आने के बाद ना 2-3 दिन बॉडी इतनी लो रही ना, इतना लो फील हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ जो भी है अब ठीक है फिलहाल, अब बॉडी में एनर्जी आ गई अच्छी खासी। तो चलो अब मेरा मन कर रहा है पीने का बनाना शेक, तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज बनाना शेक। तो हो चुका है तैयार हमारा बनाना शेक। तो अब हम डालेंगे इसमें एक बहुत ही मेन चीज जो कि है काजू, तो पहले इनको कूटना पड़ेगा। चलो तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है रोटी और आलू सोयाबीन की सब्जी। तो जूस भी पी लिया है और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है, अब चलते हैं बाइक की सर्विस कराने के लिए। ये देखो हमारा सेटअप रेडी है गोप्रो का, आज करेंगे मोटो व्लॉग। तो चलो फिर निकलते हैं अब। तो निकालते हैं बाइक को बाहर, हमारी प्यारी ड्यूक 390 निकल पड़े हैं। आज गाइस बहुत दिनों के बाद हम चला रहे हैं बाइक, तो आज पहले करवाएंगे इसकी सर्विस और फिर उसके बाद कहीं चलेंगे राइड पे दूर। और गाइस मैंने आपको एक बात कही थी कि आज दिखाएंगे आपको एक नई चीज, तो बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा कि क्या हम दिखाने वाले हैं आज नया, तो चलो आपको बता ही देते हैं। तो हम दिखाएंगे आज आपको न्यू ड्यूक 390। गाइस हमारे साथ थोड़ा पोपट हो गया, हमने ये बाइक ली नहीं और उसके 2 महीने बाद बिल्कुल नई ड्यूक आ गई, नई जनरेशन की। अगर हमें पहले पता होता ना कि नई बाइक आने वाली है ड्यूक, तो हम नई वाली लेते यार। तो काफी लोगों ने देख ही ली होगी नई वाली ड्यूक, अगर नहीं देखी तो देख लेना, आज वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे और थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे इस बाइक का और उस बाइक का, इनमें क्या डिफरेंस है। मैंने खुद अभी तक रियल में नहीं देखी, तो हाँ मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। पहुंच चुके हैं KTM की शोरूम, ये देखो ये रहा ऊपर। बढ़िया बढ़िया, कैसे हो? बढ़िया गाइस, हमारा हो चुका है पोपट, यहाँ पे है ही नहीं नई वाली बाइक। भैया कह रहे हैं कि 2 बाइक आई थी नई और दोनों बिक चुकी है, हमारा गंदा वाला पोपट हो चुका है यहाँ पे आके। यहाँ पे देखो सब यहाँ पे खड़ी हैं, सारी पुरानी वाली, ये पुरानी ड्यूक और ये भी पुरानी ड्यूक, देखो
नई वाली ऑलमोस्ट चेंज हो चुकी है पूरी, इससे बिल्कुल अलग। उसकी लाइट भी अलग है, एलईडी लाइट, और यहाँ से डिजाइन पूरा अलग है। तो सॉरी गाइज, आपको नई वाली बाइक नहीं दिखा पाए, बट हाँ जब भी आएगी ना, जब भी आएगी आपको जरूर दिखाएंगे। भैया कह रहे हैं कि अभी 10 दिन तो लगेंगे बाइक आने में, लेकिन मुझे ना पसंद आ गई थी यार नई वाली ड्यूक, मेरा देखने का बहुत मन था। पता गाइस, फोटो में देख के और रियल में देख के बहुत अलग लगता है। तो हाँ, मुझे एक बार सामने से देखनी थी रियल में। शिट यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी दीवार सजा रखी है और लिखा है न्यू ड्यूक 390। अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे नई ड्यूक आई थी, लॉन्च इवेंट हुआ था, यहाँ के भैया ने हमें बुलाया भी था, बट हम आ नहीं पाए थे, हम कहीं बाहर थे उस टाइम पे। तो देखो यहाँ पे पूरे गुब्बारे लगे हैं और पूरा सजा रखा है अच्छे से। यहीं पे खड़ी थी 3-4 दिन पहले नई वाली ड्यूक, बट अब दुख हो रहा है कि आई क्यों नहीं उस दिन देख लेते हम बाइक। पर चलो कोई बात नहीं, अब हम 10 दिन के बाद ही देख पाएंगे नई वाली ड्यूक। गाइस ये देखो एग्जॉस्ट, जिनकी ये बाइक है उन्होंने ये चेंज करा रखा है। ये ना बहुत तेज आवाज करता है, पता है आपको, अगर ये मैं लगा लो ना मेरी बाइक में, क्या आवाज करेगी, खतरनाक। लेकिन ये ना गाइस अलाउ नहीं है ऐसे लगाना, इलीगल है ये, पुलिस पकड़ सकती है, पता है। स्टॉक देखो ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे लगाया ना, ये है स्टॉक हमारा नॉर्मल, लेकिन ये चेंज करा रखा है। टाइम कितना हो गया, 3:35, अराउंड 4 बजे तक हो जाएगा शायद हमारा काम सर्विस। तो हो चुकी है फाइनली हमारी बाइक की सर्विस, बाइक नीचे जा चुकी है, हम भी चलते हैं। पता है गाइस भैया क्या बता रहे थे KTM वाले, वो बता रहे थे कि मेरे पास 3 कस्टमर आए जो कि ये पुरानी वाली बाइक मांग रहे हैं, कि हमें पुरानी वाली चाहिए, यही वाला मॉडल जो मेरे पास है, ये ब्लैक कलर में। नहीं आने के बावजूद भी लोग पुरानी वाली मांग रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? चलो गाइस आप बताओ, आपको कौन सी पसंद आ रही है, नई वाली या पुरानी वाली? आपके सामने ये रही फोटो, ये देखो लेफ्ट में है नई वाली और राइट में है पुरानी वाली। तो आप बताओ कौन सी आपको अच्छी लग रही है ज़्यादा? गाइस मेरे को तो दोनों ही अच्छी लग रही है, पुरानी वाली भी नई वाली भी। मैं तो खुश हूँ जो मुझे मिल गया, हमको इसी से प्यार है हमारी ड्यूक से। लेकिन जो भी हो, जो नई वाली बाइक है ना, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्योंकि वो नई बाइक है, उसमें इंजन भी अच्छा है पहले से, और बाकी फीचर उसमें एक्स्ट्रा है, 2-3 फीचर उसमें एक्स्ट्रा दे दिए, तो इसलिए नई वाली ज़्यादा बेटर होगी इससे। लेकिन आप जरूर बताना मुझे कमेंट में कि आपको कौन सी अच्छी लगी। और फिलहाल हम आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर। भाई यहाँ पे आते ही यार ठंडी हवा लगनी शुरू हो गई, मतलब गाइस एकदम से ना इतना ठंडा फील हुआ ना भाई, क्या बताऊँ, मज़ा आ गया यार। लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे जाएं। पहले मेरे मन में आ रहा था नैनीताल, लेकिन नहीं, वहाँ पे नहीं जाएंगे, वहाँ पे हर बार जाते हैं, कोई ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे हम बहुत टाइम से नहीं गए। तो ऐसी जगह कौन सी हो सकती है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, सोचते हैं रुको। तो एक लोकेशन मेरे दिमाग में आ चुकी है, जगह तो बहुत ही प्यारी है वो, बिल्कुल शांति वाली, सुकून वाली। तो चलो फिर वहीं पे चलते हैं, और कुछ तो दिमाग में आ नहीं रहा। अभी गाइस दे रहे हैं एक भाई को लिफ्ट, ठीक है बैठो ओके भाई, ठीक। तो हाँ लिफ्ट दे देनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देख के, बहुत बार स्कैम भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही इंसान मिले जिसको आप लिफ्ट दो, क्या पता कोई कुछ भी हो, है ना, हमें क्या पता। अगर रात को जा रहे हो कहीं अकेले और उस टाइम पे कोई आदमी खड़ा हो आपसे लिफ्ट मांगे, तो कुछ भी हो सकता है गाइस। रात को तो लिफ्ट देनी नहीं चाहिए। मम्मी जी मुझे कहती है तू बाइक रोका मत कर, कार रोका मत कर, लिफ्ट मत दिया अगर किसी को ऐसे। बट मम्मी जी टेंशन ना लो, मैं पहले इंसान को देखता हूँ उसके बाद देता हूँ लिफ्ट। गाइस पता नहीं मैं अपने आप से इतनी बातें क्यों करता हूँ, मैं ना बहुत देर से ना अपने आप से बातें कर रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये होता है, वो होता है, अपने आप से। चलो अच्छा है, खुद को भी समझाना चाहिए, खुद को समझाना ही सबसे ज़रूरी होता है। बाकी हम पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, ये है जगह, बट यहाँ पे 1, 2, 3, 4 गाड़ी खड़ी है पहले से। यार गाइस यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं था। चलो जो भी है चलते हैं, ये है पूरा जंगल, घना जंगल, और इसके अंदर जाके है एक लेक। तो लेट्स गो, बाइक यहाँ पे खड़ी कर दी है, चाबी निकाल ली ना, निकाल ली। चलो अब हम करेंगे फ़ोन से व्लॉग, बाय बाय मोटर व्लॉग। तो आ चुके हैं फ़ोन पे अब, बाकी देखो रास्ता, पहुँच चुके हैं, मेरे सामने है बहुत ही प्यारी झील, ये देखो। हम फिलहाल जा रहे हैं थोड़ी आगे, वहाँ पे है मस्त बैठने की जगह, बस रास्ता हो, बिकॉज यहाँ का पानी बहुत बढ़ चुका है, ये पानी पहले कम था, पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है यहाँ पे। देखो भाई बारिश भी तो हुई है इतनी ज्यादा, तभी तो भर गया ये। देखो यहाँ से कितना कम रास्ता है जाने का, यहाँ तो पेड़ गिरा हुआ है, देखो रास्ता बंद हो गया, यहाँ से ऊपर से जाना पड़ेगा। अरे यार आज तो खतरनाक एडवेंचर करना पड़ा ओए। भाई पहुंच गए फाइनली, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ कोने कोने से चल के पूरा यहाँ तक। पर हाँ जो भी है देखो यहाँ आने के बाद क्या व्यू मिला है। अब बैठते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, गाइस जरा देखो तो यहाँ पे कोई नहीं है मेरे अलावा, देखो बस यहाँ पे आप, मैं और मेरी तन्हाई। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से, काफ़ी देर यहाँ बैठे
टाइम स्पेंड किया शांति में, अच्छा लगा बहुत। अब दिखाएंगे आपको सात ताल। ये सात ताल नहीं है, इसका नाम था शायद गरुड़ ताल। ये उसके जस्ट बगल में है और यहाँ पे कोई नहीं आता, यहाँ पे शांति है। वहाँ पे शांति नहीं है, वहाँ पे काफी लोग होंगे शायद, देखना आप। वहाँ सात ताल में बोटिंग भी होती है और काई की होती है, बहुत चीजें होती है वहाँ पे, एडवेंचर होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो अब चलते हैं सात ताल। पहुंच चुके हैं और ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये है देखो सात ताल, यहाँ पे होती है काय की और यहाँ पे होती है बोटिंग और यहाँ बतख बहुत सारी। और यहाँ से मैंने बहुत बार छलांग मारी है पानी में, लेकिन लाइफ जैकेट पहन के, ऐसे नहीं लाइफ जैकेट पहन के। हाँ यहाँ हमने बहुत बार नहाया है, आपने देखा होगा शायद पुरानी वीडियोस में। गाइस ये ऊपर रस्सी है ना, इसमें आता है मजा। यहाँ पे ना इस पे बांध के ना फिर पानी में डालते हैं, अंदर बाहर अंदर बाहर। अभी फिलहाल अंधेरा हो ही गया इसलिए यहाँ पे कोई नहीं है, वरना आपको यहाँ पे कोई नहाता हुआ दिखता, कोई बोटिंग करता हुआ, बट अंधेरा होने वाला है इसलिए सारे चले गए हैं यहाँ से। तो चलो हम भी चलते हैं, कुछ खाते हैं पहले, यार बहुत भूख लग रही है। तो आपको पता ही है क्या खाते हैं यहाँ पे पहाड़ों में, मैगी। तो हाँ एक मैगी मंगाएंगे बस। चलो हो चुकी है पेट पूजा, अब चलते हैं। सो निकल चुके हैं घर की ओर और टाइम हो गया है 6:29। हम अराउंड 7:30 बजे तक या फिर 8 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। रात को गाइस बहुत आराम से चलानी पड़ती है देख के पहाड़ों पे। बाकी देखो रास्ता जंगल का है, यहाँ पे जानवर भी मिल सकता है, बट ना मिले तो अच्छा है। गाइस क्या ठंड लग रही है खतरनाक वाली यार, अगर मुझे पता होता ना मैं तो एक हुडी लेके आता, पर हल्द्वानी में जो गर्मी है उसके हिसाब से मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे ठंड होगी इतनी, पर जुकाम सा हो गया हल्का हल्का। तो चलो मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। ओके गाइस पहुँच चुके हैं फाइनली घर पे, टाइम हो गया 7:53, 8 बजे से पहले पहुँच गए, लेकिन जो भी हो भाई आज मज़ा आ गया बाइक राइड में। सो आ चुके हैं घर पे और ये देखो कुनाली यहाँ पे काम कर रहा है अपना स्कूल का, ये देखो। अपने नाम की स्पेलिंग बताना। मेरे नाम की हाँ। क्यों? अच्छा यहाँ पे लिखना ब्रदर्स, पीयूष का नाम और मेरा नाम लिखो, एस ए एच आई साहिल, याद कर लो अब ठीक है। क्या फोन दे, फोन लेके जाऊंगा मार खाएगा। तो अभी टाइम हो चुका है रात के 11 और सब सो चुके हैं, और मैं ना आज व्लॉग एंड करना ही भूल गया था, मुझे एकदम से याद आया कि मैंने आज व्लॉग एंड ही नहीं किया। तो चलो करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड, बताना कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस, बाय, गुड नाइट। गाइस कर दिया काम यहाँ का, ये देखो बोतल गिलास कूड़ा सारा कूड़ा फैला रखा है यहाँ पे, यही चीज़ तो बेकार लगती है यार।